अशोक सर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली सलमान भाई और शाहरुख भाई दोनों 2024 में नहीं आ रहे, लेकिन 2025 में उनकी दो फिल्में आ रही है, एक सलमान खान का सिकंदर और शाहरुख भाई का किंग। क्या कहना रहेगा आपको ये दोनों खान के बारे में? भाई दोनों खान बोलते आपको बता दो कि अभी शाहरुख भाई का थोड़ा बीमार थे वो दो दिन पहले, अभी अभी रिकवरी हो गए। अरे तो उनका सेहत के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई भगवान उनको क्या बोलते, लंबी उम्र दे, सेहत अच्छी हो जाए और उनको दुनिया को एंटरटेनमेंट की खुशियाँ देते रहे। मैं तो यही कहूँगा, चाहे शाहरुख हो सलमान हो, दोनों के बारे में भी। और ऐसे आदमी को कुछ बीमार भी होगा तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा हाथकुली के इसमें हादसा हो गया था, लेकिन पूरा देश क्या पूरी दुनिया उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान के पास कि भाई अच्छा हो जाए। वैसा आदमी अच्छा हो गया, 80 साल के अंदर अभी काम भी कर रहा है। मतलब ऐसे शाहरुख खान के लिए भी उतनी आशीर्वाद दुआएं सब साथ में ही है उसके लिए पब्लिक की, क्योंकि ये एक्टर है ना जो पब्लिक को खुशियाँ देने वाले। आप इनकी फिल्में देखने आओ 3 घंटे में पूरे दुनिया के भूल जाओगे आप, इस तरह ये लोग एक्टर है। और रही शाहरुख खान सलमान की बात है, ये जो हमारा 24 तो ख़राब हो गया ईद के बारे में, और ये इस साल दोनों की कोई भी फिल्में नहीं आ रही है। अब वो 25 है इन लोग का रहेगा। अब ये है कि भाई कॉम्पिटिशन तो रहेगा, लेकिन शाहरुख ऐसा है एक्टर है जो 2000 करोड़ एक अकेले ने कमा के दिया हुआ है, चाहे दोनों तीनों फिल्मों के हिसाब में जो एक ही साल में। और रही बात ये है कि भाई सलमान भी अच्छा एक्टर है, लेकिन उसकी उतनी फिल्में ब्लॉकबस्टर नहीं हुई जितने शाहरुख की हुई है। हम लेकिन दोनों के एक्टर की इज्जत उतनी है और रिस्पेक्ट भी उतनी है और पब्लिक चाहती भी उनको उतना है। ये है कि भाई उनके फ़ैन होते हैं ना, ये फ़ैन को मैं दोनों के फ़ैन को कहना चाहूँगा, भाई शाहरुख को और सलमान को कंपेयर करो, काम के लिए कंपेयर करो, लेकिन छोटा बड़ा बताने के लिए कंपेयर मत करो। हाँ वो इसी फिल्म में इसका सोशल मीडिया पे वो उनके फैंस को ट्रोल करते हैं नहीं, यही नहीं करना चाहिए भाई। हमारे देश के एक्टर है, इनका दुनिया में नाम है, इनको एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती है। आप इनको विदेश जाओगे ना, एक खाली एक सेकंड देखने के लिए तरसती है। ये तो फिर हमारे घर के यहीं पड़ोस में, तो हम लोग उनके लिए इतना बुरा बोल के और किसी को नीचा दिखा के फ़ायदा नहीं, उसमें फ़ायदा नहीं मतलब अच्छा भी नहीं है वो बात। क्यों हम उससे बताएं भाई, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो लोग अपने मस्त है और हमको भी मस्ती करने देते हैं सिनेमा हॉल में। तो हम ऐसे एक्टर के लिए बोलना चाहिए भाई, उनकी तारीफ भी करना चाहिए भाई, प्रोत्साहन देना चाहिए भाई, अच्छी फिल्में लेकर आ रहा हो यार, अभी ये कैसा ही साल पूरा ख़राब हो गया, अब आप अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आओ, हम तो यही प्रार्थना करेंगे उनसे। अगर हम शाहरुख खान की किंग मूवी की बात करें तो किंग मूवी में उनके साथ उनकी लड़की भी जी डेब्यू करने जा रही है बड़े थिएटर में, सुहाना खान, उसको लेके क्या कहना है भाई? जब कोई किंग खान किसी को अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, डेब्यू कर रहा है उसको, तो इसका मतलब कुछ ज़बरदस्त होगा, 100% क्या 1000% मैं बोलता हूँ ज़बरदस्त होगा, इसीलिए अपनी फिल्म बेटी को ले रहा है फिल्म के अंदर। और वो फिल्म जो उसकी बनती है ना, तो वो बनने से ज़्यादा वो इंटरटेनमेंट कैसा पब्लिक को खुशियाँ मिले इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, चाहे डायरेक्शन कोई भी किसी का भी हो। और ऐसे ही एक्टर हमें बहुत पसंद करना चाहिए, पसंद है भी पब्लिक को। और जब तक भाई ये क्या बोलते हैं इसको संसार रहेगा ना, इसकी फिल्में यादगार रहेगी शाहरुख खान की। क्या बात है, क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है, पठान वर्सेस टाइगर बननी चाहिए कि नहीं, जिसमें दोनों खान साथ में दिख सके? देखो इसमें भी कैमियो था, उसमें भी कैमियो थे, लेकिन कैमियो का मतलब ये नहीं, दोनों के फिल्में को कैमियो मज़ा में आता है। अगर दोनों को साथ में ले ना करण अर्जुन की तरह, तो पब्लिक को मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके फैन उसके फैन में उसको देखे अगर अपसेट होता है, इसको देखे कैमियो में ठीक है, इसके फिल्म में वो कैमियो आ जाए, उसके फिल्म में ये कैमियो आ जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि फ्यूचर में टाइगर वर्सेस पठान बनेगी जरूर, वो अलग बात है भाई, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। बनेगी तो ठीक है, अच्छा ही है और पब्लिक को खुशियाँ डबल मिलेगी, लेकिन भाई हम तो इस प्रार्थना करते भाई दोनों की फिल्में चले, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ये बचे हुए दोनों ही समझो स्टार जो इन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्में देना दे सकते हैं, देना चाहते हैं, और ऑडियंस को भी इनके फिल्म का इंतजार रहता है। आमिर खान के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आमिर खान नाम आता तो जीनू खान का नाम आता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आमिर खान दो फिल्में उनकी डिजास्टर हो गई। नहीं नहीं कैसा, वो दो तीन फिल्में डिजास्टर है, फिर आज में विवादित बयान की वजह से वो थोड़ा लोगों में थोड़ा उसके लिए असंतोष है, मतलब लोग कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आमिर खान के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं तो ये बात नहीं करूँगा कि आमिर खान के बारे में क्या है, क्योंकि उसकी अभी फिल्में भी ऐसी नहीं है। वो एक फिल्म आ गई लाल सिंह चड्ढा, उसके बाद में कोई ऐसी फिल्म नहीं, अभी 1947 कुछ आ रही है सनी के साथ में, तो बड़ी फिल्म आ रही है, हम बड़ी फिल्म का उसका भी इंतजार करेंगे भाई, इतना जो टाइम वेस्ट हो गया ना, शायद उसका भी अच्छा टाइम आ जाए, क्योंकि फिल्मों ये एक्टर लोग ना जो जिसका जो प्रोफेशन होता है ना उसके अंदर वो अप डाउन होते रहता है, वैसा इसका अप डाउन होता है, लेकिन ये हो सकता है भाई इसका भी एंट्री वापस हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।